एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बना रहे थे बहुत ज्यादा, बट गेम थ्री में वापस से एक स्लोअर अप्रोच, जहां पर एक ड्रॉप क्लैश देखने को मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अब सारंग को पकड़ा जा सकता है और आराम से आतंकी उन्हें पकड़ेंगे। ये टीम स्टालबर की साइडलाइन से घूम करके आई थी और अब यासनाया के ऊपर टीम एक्सपा के खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आतंकी क्या वो कुछ और प्लेयर्स को भी स्पॉट करने की कोशिश करने वाले। जोकर वो व्हीकल में बैठे टीम एक्सपा, अगर आपने उनके खिलाड़ी को डाउन किया या तो वो आपको डाउन करेंगे या फिर बचाने के लिए तो जरूर आएंगे, लेकिन पीछे से ओरैंगुटेन का जो बैकअप है वो भी आ चुका है। थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है टीम एक्सपार्क को। स्ट्रेगॉट वो आगे आए जरूर, लेकिन इंस्टेंटली यू टर्न लेने पे उनको मजबूर किया गया और आगे जाके उनका व्हीकल जो है वो पेड़ में फंसता हुआ नजर आया। ये तो दिक्कतें थोड़ी ज्यादा है। स्ट्रेगॉट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, 79 पॉइंट्स पे मौजूद है अगर आप बात करें टीम एक्सपार्क की तो। और देखिए, हमने चर्चा करी है कि इट माइट बी पॉसिबल दैट 79 इज नॉट एनफ, तो ऐसे में जितनी जल्दी वो 85 के आसपास तक का आंकड़ा छुए वो बेहतर रहेगा उनके लिए। और ऐसे में शैडो वो यहां से निकलने की कोशिश कर जरूर है, लेकिन वेरॉन चलिए व्हीकल उन्होंने थोड़ा सीट बदली, शॉट्स लेने की कोशिश की पर कुछ खास फायदा मिला नहीं। थोड़ी नई सीट तो पूरी बदली थी, बट खैर विस्गॉड वो अब स्पॉट डाउन करने की कोशिश करते हुए शैडो को, और इनफैक्ट अगर ये हंट डाउन कर लिया तो ये ओरैंगुटैन के लिए अच्छी खबर होगी, जो वो फाइट्स पिछले गेम में नहीं ले पाए थे जब न्यूमन फॉरएवर उनके ऊपर आ गई थी और हावी हुई थी, वो अब सेम चीज टीम एक्सपार्क के ऊपर करना चाहते हैं। और ओरैंगुटैन के पास देखिए खेलने के लिए कितना बड़ा मौका है, वो जोन के एक एज से दूसरे एरिया तक आ चुके हैं टीम एक्सपार्क को हंट डाउन करने के लिए। अब सोचिए सर्कल ऊपर गया, टीम्स ऊपर का सोच रही है और ओरैंगुटैन नीचे जा रही है। जहाँ और जैसे कि हमने चर्चा करी कि इन दोनों ही टीम्स को अंकों की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर ही चले जाए। और शैडो काफी बढ़िया कलाकारी उन्होंने दिखाई, अब वो वापस से सर्कल के अंदर आ चुके, ब्लू जोन को उन्होंने आउटरन एटलीस्ट जरूर किया है, सर्कल के अंदर अभी भी जाना बाकी रहेगा, लेकिन देखना अब सिर्फ ये है कि पहले किसके व्हीकल का जो फ्यूल है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। मोगो की बात करें, फाइनली व्हीकल तो उन्होंने उठा करके अब अपनी रोटेशन इनिशिएट कर दिए। एंकी, क्या आपने कभी किसी को जीवन में इतनी शिद्दत के साथ चेज किया है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं दिल टूटा है मेरा। मैं गेम की बात, अच्छा गेम की बात आप कर रहे हैं। अरे फिनिशेस इंपॉर्टेंट होते हैं ना गेम में जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि आप असल जीवन की बात कर रहे हैं और ओ सवाल कुछ अलग था आपका, मैं समझा कुछ और, बट अभी के लिए शैडो वो बस चलते ही चले जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप अपने रस्तों पर चलते चले जाना चाहते हैं तो हीरो एक्सट्रीम 125R बेहतरीन ये बाइक डेफिनेटली जाकर के चेकआउट कीजिएगा हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर को। बट अब यार इस व्हीकल का फ्यूल क्यों नहीं खत्म होता है?